हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ मारियो का केक। सो फ्रेंड्स, मारियो आपने पहले गेम बहुत खेला होगा, छोटे पर थे हमको अच्छे से याद है, तो मारियो वाला गेम खेलते थे फ्रेंड्स टीवी में लगा करके। सो फ्रेंड्स, वही उसी कंपनी का ये मारियो का स्लाइसिट केक है। तो फ्रेंड्स, कभी नहीं सोचा था कि जो है ये कंपनी केक वगैरह भी बनाने लगेगी। अब ये थर्ड पार्टी बना रही है कि मारियो जिसका गेम बनाती थी वो बना रही है, अब ये तो हमें नहीं पता फ्रेंड्स। समझ रहे हो? मगर ये मारियो की तरफ से है। इसमें देखिए, ये मारियो का इसमें फोटो भी लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लाइस इट करके। तो फ्रेंड्स, मारियो के केक की अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, अब क्या है? अरे फ्रेंड्स, देख रहे हैं, हमको सारा काम हम ही को करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रही। कद्दू कटाई भी। क्या ही बोले फ्रेंड्स, ये देखिए इतना नरम कद्दू है कि बड़े आराम से कट गया। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद ऐसा होगा ना, वीडियो बनाते बनाते हमको सब्जी काटने का भी ऑर्डर मिल जाएगा यहीं पे। ए बाबा, रे बाबा, रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, तो मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम वेलकम। तो फ्रेंड्स, ये रहा मारियो का स्लाइसिड केक। इसको करते हैं फटाफट से अनबॉक्स। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मारियो लिखा है, कुछ पुरानी यादें ताज़े हो जाएगी। 90s की बहुत अच्छे से इसको पहचान सकते हैं, खेलते रहे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी खेलता था बहुत मारियो अपने टीवी में लगा करके, डिब्बा वाली टीवी में। तो फ्रेंड्स, पहले तो LED वाले टीवी नहीं आते थे, तो फ्रेंड्स वो वाली टीवी बहुत अच्छी होती थी, सब लोग साथ में खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी मुझे मार भी पड़ी है कि बहुत ज़्यादा मैं खेलता था तो एक गाथ दो रापट लगा भी दे जाता था मेरे ऊपर। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, बट अच्छा लगता था फ्रेंड्स, पैसन था उस समय तो खेलना अच्छा लगता था। बातों में क्या रखा है? तो फ्रेंड्स, मैं इसको मारियो के स्लाइस बेट को ये कर दिया हूँ अनबॉक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मारियो का केक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, केक तो इसमें मुझे छोटे छोटे लग रहे हैं। अगर इसकी दाम की बात की जाए तो दाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं फ्रेंड्स। ये हमको पड़ा है, कितने का पड़ा है? 10 रुपीज़ का पड़ा है फ्रेंड्स। तो ठीक ही है फ्रेंड्स, 10 रुपीज़ के हिसाब से हमको केक मिला है, और क्या चाहिए हम। तो फ्रेंड्स, फटाफट से एक सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, अब इसको टेस्ट करके बताते हैं खाने में कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मारियो का केक। मारियो का गेम जिसने जिसने खेला है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता था गेम खेल करके, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब मैं मारियो का केक खाने जा रहा हूँ, लेट्स सी खाने में कैसा है, और आपको बताते हैं टेस्ट इसका खाने में कैसा है। फ्रेंड्स, अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो मैं कहना चाहता हूँ एवरेज है ना, ये बहुत अच्छा है ना ये बहुत ख़राब है, एवरेज में आता है। अगर फ्रेंड्स मतलब आपका बजट बहुत टाइट नहीं है, तो मतलब आप जल्दी जल्दी में कहीं हैं तो आप इसको ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा इससे बेटर आप थोड़े अच्छे रेंज में जाएं। समझ रहे हो? मतलब एवरेज है, मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा फ्रेंड्स, मतलब एवरेज है। ओके है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।